फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेबी स्पेशल टेक एजुकेशन। तो डियर गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई रिजल्ट 2023 से जुड़े अपडेट के बारे में। जिन भी कैंडिडेट्स ने आईटीआई किया हुआ है और फिलहाल रिजल्ट जारी किया गया है, तो उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स को सप्लीमेंट्री आई हुई है यानी बैक लगी हुई है, उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो को मैं अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपको जो सारी अपडेट्स हैं लगातार मिलती रहे। तो आप देख पा रहे हैं, हम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और जो हाल ही में रिजल्ट जारी किया गया है वहाँ पर CTS ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2023 का जो परिणाम घोषित किया गया है वो मार्कशीट व्यू पेज में दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपको कैसे रिजल्ट को डाउनलोड करना है और आपको ईमेल के माध्यम से भी अपना रिजल्ट प्राप्त हो गया होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रिय प्रशिक्षु, CTS AITT 2023 के लिए CBT हॉल टिकट जारी कर दिया गया है। तो ये आपका हॉल टिकट जारी कर दिया गया, लेकिन जो आपकी मार्कशीट है वो अभी डाउनलोड कुछ समय के लिए रोक दी गई है। तो यहाँ पर बोला गया है सितंबर 2023 तक NCVT MIS पोर्टल पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट की डाउनलोडिंग अक्षम कर दी गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आपको यहाँ पर मार्कशीट डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये DGD के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर ये डाउनलोडिंग का कार्य अक्षम कर दिया गया है। तो इसके अलावा बात करेंगे हम वे कैंडिडेट जिन्होंने 2014 से 18 के बीच में आईटीआई किया हुआ है और जिनका सेमेस्टर सिस्टम रहा है। तो आईटीआई जिन्होंने उत्तीर्ण नहीं कर पाया था, सप्लीमेंट्री आई हुई है, किसी भी विषय में सप्लीमेंट्री आई हुई है, चाहे वो प्रैक्टिकल में हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, या ट्रेड थ्योरी हो, या वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस हो, तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर सप्लीमेंट्री आई हुई है तो आपके लिए जो है DGT जल्द ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट 2018 से 2022 के बीच में जिन्होंने एनुअली एग्ज़ाम में आईटीआई का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन किसी कारणवश उन्हें सप्लीमेंट्री आई हुई है, चाहे वो एग्ज़ाम में ना बैठ पाए हों या फिर किसी कारण से उनका एग्ज़ाम छूट गया होगा, तो किसी भी कारण से अगर आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए हों या एग्ज़ाम में बैठे हों फिर भी आपको सप्लीमेंट्री आई है, तो इन सभी के लिए एक अपडेट जल्दी DGT देने वाला है। आपका कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा वो आपको न्यू अपडेट जो है उससे अवगत कराएगा। इसके अलावा जिन्होंने 2022 में एग्ज़ाम दिया हुआ था और जिनका रिजल्ट अभी 2023 में जारी कर दिया गया है, उनके रिजल्ट से जुड़ी अपडेट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि अगर उन्हें सप्लीमेंट्री आया हुआ है तो उनका हॉल टिकट भी जल्द ही जारी किया जाएगा। और इन सभी कैंडिडेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आप हमें मिलता है तो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएंगे। तो यह वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए था जिन्होंने हाल ही में आईटीआई किया हुआ है और जिन्होंने पहले भी आईटीआई कर चुका है। सप्लीमेंट्री वाले कैंडिडेट के लिए, लेफ्टओवर कैंडिडेट के लिए ये सारी जानकारी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके लिए यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।